उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। तो मैं बोलूँगा, ये हमारे पास जेना है, हमारी प्यारी जेना, और यहाँ कुछ इम्पोर्टेड पीलेट्स जो मेरे पास अभी रेडिली अवेलेबल थे, मैं चाहूँगा कि वो आके दिखाएं यहाँ पे क्लोजअप्स में। मैं बैकग्राउंड में आपको बताते चलूँगा, ये है मेड इन ब्राज़ील की बनी हुई राइफल एम्यूनेशन की डोम, ये बड़ा इकोनॉमिकल पैलेट्स है 7.87 ग्रेन के। ये प्रीमियम वर्जन है जो कि 8.1 ग्रेन का। ये बाराकूडा HNN कंपनी की है, जो मेरे पास बाराकूडा पावर है। साइजेस सेम है बट ये कॉपर प्लेटेड है। ये RWS की मैच है, ऑल टाइम फेवरेट। ये JSB की 8.3 ग्रेन पैलेट्स हैं, 10.34 ग्रेन पैलेट्स हैं। ये HNN की बाराकूडा है, वेट इनका 10.34 ग्रेन है और ये हॉलो पॉइंट है, एंड दीज आर नॉन फॉर मैसिव नॉक डाउन पावर। JSB 8.4 ग्रेन, ऑल टाइम फेवरेट, और ये RWS की सुपर पॉइंट है। तो ऑलमोस्ट मैं HNN के दो ब्रांड्स, राइफल एम्यूनेशन के दो, JSB के दो, और पैलेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन देर इज़ नो पॉइंट, यू नो, इन हर गन को हर पैलेट अच्छा लगे, ये सही चीज़ नहीं है। ये इट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल। हर पैलेट के लिए आप डिफरेंट पैलेट यूज़ करते हैं, और अल्टीमेटली आपको जो सबसे अच्छा पैलेट मिलता है, आप उसी पे आप वही पैलेट आप चाहते हो कि वही पैलेट ही आप यूज़ करें, बिकॉज दैट पार्टिकुलर पैलेट विल गिव यू मैक्सिमम पावर आउटपुट, बहुत अच्छी एक्यूरेसी वही पैलेट देगी। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है कि आपके बैरल को कौन से पैलेट अच्छी लग रही है। मेरा जो एक परसेप्शन है और जो मैंने अपनी फाइंडिंग की है, मेरे पास 6-7-8 HDB की एयर गन्स हैं, तो इन सारी एयर गन्स में एक चीज़ कॉमन है कि JSB बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और RWS की R10 बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, सुपर 10 परफॉर्म करती है, और JSB के बाद ये राइफल एम्यूनेशन की जो प्रीमियम हेवी ग्रेड की जो है, ये बहुत अच्छा करती है। तो हम इसको ब्रीच में सब पैलेट को एक एक पैलेट को डालेंगे ब्रीच में, चेक करेंगे, क्लोज करेंगे और रीओपन करेंगे, दिखाएंगे और फिर हम लोग फायर करेंगे। चलिए चलो शुरू करते हैं, चलो क्लोजअप ही रहना, ठीक है। सबसे पहले JSB 10.3, जरा पास आ जाओ मेरे, ये ब्रिज पे दिखाना हमेशा, ठीक है। ये पैलेट को डाला मैंने, थोड़ा सा पुश किया इसको, ठीक है, आप देख सकते हैं ये 10.34 ग्रेन है। ये मैंने बंद किया और मैंने इसको वापस से खोला, इसको दिखाते रहना, ठीक है। पैलेट का स्कर्ट बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, ठीक है, ये है 10.34। चलिए इसको हम फायर करते हैं। अब हम आते हैं बाराकूडा हंटर हॉलो पॉइंट, ये पैलेट आप देख रहे हैं, जूम है, वो है फोकस में है, ये दिख रहा है हॉलो पॉइंट, ठीक है। इसको हमने डाला, ठीक है, और इसको हमने पुश किया, इसको हमने बंद किया और इसको हमने खोला, ये पैलेट उतने अच्छे इसमें बेडिंग नहीं किए हैं, ठीक है, तो इससे इस गन में एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। चलिए, ये था हमारा HNN का बाराकूडा हंटर, ये भी फायर हो गया। चलो उसके बाद हम आते हैं JSB 8.4 ग्रेन, JSB 8.4 ग्रेन, HDB की सारी जो बैरल्स होती हैं वो JSB 8.4 ग्रेन या JSB 10.3 ग्रेन, लॉन्ग रेंज के लिए 10.34 और 20-25 यार्ड के लिए 8.4 ग्रेन। इसको डाला, ये देखिए बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, बिल्कुल भी फ्लश है। इसको मैंने बंद किया, सेफ्टी हटाई, फायर किया, ठीक है। अब आते हैं RWS की सुपर पॉइंट, अरे भाई मिक्स मत हो, ये रही RWS की सुपर पॉइंट, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने इसमें डाला, इसको बंद किया, वापस से खोला, कोई डैमेज नहीं, ये गन, ये पैलेट ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेगी। ये थी RWS की सुपर पॉइंट, जिन लोगों को पॉइंटेड चीज़ें ज़्यादा पसंद है उनके लिए है ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं RWS की मैच, जो मेरे फ्रेंड स्पेशली जो शहर में रहते हैं 10 मीटर 15 मीटर करते हैं,
RWS का जो R10 मैच पैलेट्स होते हैं सुपर्ब है SDB के लिए, इनफैक्ट किसी भी गन के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। जब भी पैलेट आप लोग थोड़ी सी उंगली से पुश किया करो, ये आपको फ्लश करता है पैलेट को अच्छे से ब्रीच में। ठीक है, ये हमने डाला R10 और शायद ये फ्लश करने में थोड़ा सा, देख रहे हैं फ्लश करने में थोड़ा सा रह गया। अब ये दूसरा पैलेट भी हम ट्राई करेंगे RWS का R10। वही मैं कह रहा था कि हर पैलेट को आपने फ्लश करना है। देखिए ये RWS का इस बार मैंने अच्छे से फ्लश किया है उंगली से, तो ये RWS का R10 मैच पैलेट है। ये पैलेट होल टू होल मारती है SDB के बैरल में JSB के बाद, लेकिन थोड़ी महंगी है। चलिए अब आते हैं एक इकोनॉमिकल ब्रांड नया एयरगन इंडिया में लॉन्च हुआ है, राइफल एम्यूनिशन। इसकी है ये 7.87। ये बहुत ही, मैं इसके बारे में बता दूँ, इस पैलेट के बारे में, इसका एलॉय बहुत हार्ड है, बहुत अच्छा पेनिट्रेट करती है और ये पैलेट बहुत ही हार्ड है। जिन भाई लोग को क्रॉसमैन के पैलेट्स अगर उन्होंने यूज़ करे होंगे, क्रॉसमैन प्रीमियम सीरीज़ के, उनको ये चीज़ सेम मज़ा देने वाली है। ठीक है, इसको मैंने ब्रीच में डाला, इसको मैंने बंद किया, वापस से खोला और ब्रीच को आप दोबारा देखिए, जूम में है ना, फोकस में आ रहा है ना, कोई डैमेज नहीं है। ये राइफल एमिनेशन की डोम है, डोम फील्ड 7.87 ग्रेन, ये हुई फायर। चलो, राइफल एम्यूनिशन की एक प्रीमियम आती है, जिसे प्रीमियम सीरीज में आती है फ्लैट हेड, 8.18 ग्रेन का है। ये भी मैच ग्रेड पैलेट है, बहुत सॉफ्ट लेड है और सॉफ्ट लेड तो है ही, प्लस ये बैरल को बहुत अच्छा इंगेज करती है SDB का। चलो, ये मैंने डाला इसमें और ये खोला मैंने, लगता है फ्लश नहीं हुआ है, ये थोड़ा डैमेज हो गया, इसको हम लोग फिर से करके देखेंगे कि कहीं हमारे लोडिंग में तो कोई एरर नहीं था। ये राइफल एम्यूनिशन की आई हमारे पास प्रीमियम सीरीज की फ्लैट हेड, तो अच्छे से इसको फ्लश किया हमने और देखिए कोई डैमेज नहीं है। इसको बंद करके खोले, तुम क्यों सर हिला रहे हो? कोई डैमेज नहीं है, इसके बाद इसको फायर करेंगे हम। ठीक है, ये इतने सारे पैलेट्स थे, मैंने खोल के दिखा दिया आपको। अब मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। सपोज़ करिए, देखिए तीन तरह के हमारे पास मैन्युफैक्चरर हैं, तीन मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं। मैं छोटा सा एक थोड़ा सा आपको और अपनी बातों से पकाऊंगा। SDB जो है वो नैरो गेज के बोर का यूज़ करता है, RMR जो है वो ओवर यूज़ करता है और वो फॉलो करता है ब्रिटिश मेजरमेंट को, और Precihole जो है UK और प्रिसाइज यूज़ करता है। तो SDB के साथ प्रॉब्लम होती है कि बैरल की ब्रिज जो होती है वो हो सकती है कि नैरो आपको लगे किसी पैलेट के लिए, तो उसका टिप्स मैं दे दूँ आपको। सबके घर में ये मिलता है, ये रेती है, फाइल है। ठीक है, आप बैरल को ब्रेक करिए, ठीक है, मेरे पास आइए ज़रा, एक अच्छी क्वालिटी का नया थोड़ा सा फाइल लीजिए, इसको आपको कोने को डालना है, इसमें बैरल में कोने में को डालना है और इसको आपको क्लॉकवाइज 4-5 बार और एंटी क्लॉकवाइज 4-5 बार घुमा देना है, तो एक और इसको साफ कर देना है बैरल ब्रिज को, तो आप देखोगे कि एक तरह की सैम्परिंग हो जाएगी। उसके बाद आप चाहे जो भी पैलेट, आप यू विल रन आउट ऑफ पैलेट्स, लेकिन ये एक्सेप्ट करना बंद नहीं करेगा अभी। हाँ, ये एक HNN 12 कूड़ा रह गया हमारा, ये HN मेरे एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जय हिंद भाई साहब, वो HNN के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, वो उनको पता करना था कि ये HNN के पैलेट जाएंगे नहीं। HNN की 12 कूड़ा मेरे पास है, चलिए इसको देखते हैं कि ये इसमें जाती है कि नहीं। 12 कूड़ा पैलेट्स थोड़े से हार्ड एलॉय के होते हैं, ठीक है, इसको हमने इसमें डाला, इसकी फिनिशिंग आप देख लो, और ये चूँकि कॉपर है और ये पूरी अच्छे से जा नहीं रही है। ठीक है, तो अब भी हम क्या करेंगे कि इसको बंद किया, अभी ये डैमेज होगी, आप देख रहे हो थोड़ी सी डैमेज है ये बंद करने में, तो अपन इसके लिए, और अगर हमें यही पैलेट जान से प्यारी होगी तो हमें क्या करना होगा, जैसा मैंने बताया, ये इसको लेंगे और थोड़ा सा इसको घुमाएंगे, इसको चैम्फरिंग बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज में आप लोग चाहे इसको जो बोलते हो, ठीक है, हमारा देसी
जो है ये वैक्यूम क्लीनर है। चलिए दिखाना बाबू इधर, ये अगेन बाराकूडा। अब देखेंगे कि हमने जो दो तीन बार सैंपलिंग करा उससे कोई रिजल्ट में हमारा ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये पैलेट हमने फ्लश किया, ये इसको क्लोज किया और ये पैलेट देखिए बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। ठीक है, पिछली बार यही पैलेट डैमेज हो गया था। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरह से अगर मुझे पता हो कि मुझे ये पैलेट ही यूज़ करना है तो हम लोग SDB के बैरल को अपने रिक्वायरमेंट से ट्यून कर सकते हैं। तो हमारे कुछ भाई हैं जिनको एक बार में कोई चीज़ विश्वास नहीं होता है, हम दोबारा करेंगे इसको। ये है पावर HNN की बाराकूडा हंटर और इसको हमने इसमें डाला। ये पहले बार में नहीं गया, फिर इस बार हमने इसके लिए सैंपलिंग करी थी और इसको हम लोग खूब अच्छे से फ्लश तो हर पैलेट को करना है। ठीक है, चलिए इसको हमने फ्लश कर दिया। फ्लश करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए, आपकी एक्यूरेसी भी इससे इम्प्रूव होगी। उसके बाद इसको आप बंद कीजिए, उसके बाद आप खोलिए और देखिए कोई डैमेज नहीं है। वापस से इसको बंद कीजिए और इस बैरल की सैंपलिंग इस पैलेट के लिए भी आप लोगों के रिक्वेस्ट के चलते हो पाई। तो थैंक्स यू ऑल फॉर दिस काइंड ऑफ इंस्पिरेशन। तो मुझे लगता है कि इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, कोई क्वेरीज हो दोबारा पूछिए और जो चीज़ अगर समझ में नहीं आया उसको पूछिए और जो चीज़ ईजी है थोड़ा सा गूगल वगैरह कर लीजिए। इट विल ऑलवेज यू नो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फाइंड अदर यू नो अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज। केवल मेरी बातों पर भरोसा नहीं करना है। और कुछ लोग पूछते हैं जेना लेना है कि NX की 200 लेना है। भाई इट इज़ वेरी टफ क्वेश्चन, आप अपने बाजू वाले दुकानदार को बोलो जहाँ से आप लेते हो कि मुझे दोनों की टेस्ट लेनी है। ठीक है, आप फील करो जो अच्छा लगे आप लो भाई। आई एम नॉट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ SDB एंड आई डोंट हेट precihole ईदर, सो इट अप टू यू। वॉट आई हैव आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाई एंड टू गो फॉर इट। आई एम टेलिंग यू वॉट इज़ दिस ऑल अबाउट। इफ़ यू लाइक इट आपका डिसीजन है जो आप करो, और तब तक के लिए अच्छे से शूट करो, सेफली रहो और इन्जॉय करो एक्यूरेसी। इम्पोर्टेड पैलेट लोग क्यों यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेड पैलेट से लॉन्ग टर्म भी आपको एक्यूरेसी मिलती है, शॉर्ट टर्म भी एक्यूरेसी मिलती है। इंडियन कोई भी पैलेट्स आप यूज़ करोगे 20 मीटर के बाद एक्यूरेट नहीं रहती है, और अगर एक्यूरेट है भी तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहती है, क्योंकि उनका वेट जो होता है, कोई अगर 8 ग्रेन का है कोई 7.7 ग्रेन का होगा कोई 8.3 ग्रेन का होगा, तो आपका जीरो हमेशा ऊपर नीचे डांडिया खेलता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेड पैलेट जो है शॉर्टेड पैलेट्स होता है, या फिर अगर इंडियन पैलेट्स आप शॉर्ट आउट कर सकते हो हर पैलेट को वेट करके, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेड जैसा ही बिहेव करेगा। इट इज़ ऑल्सो ट्रू, अगर आपके पास टाइम है यू कैन डू दैट ऑल्सो। इफ़ यू डोंट हैव दैट मच टाइम गो फॉर इम्पोर्टेड। अगर आपको मेरे से पूछना हो कि SDB बैरल के लिए या कोई भी SDB की एयर राइफल के लिए बढ़िया पैलेट कौन सा है, तो सैम्परिंग का मैंने बता दिया। आप JSB 8.4 अगर आप शहर में हो और नज़दीक में 10-15-25 यार्ड तक करना हो, लॉन्ग अगर आपको रेंज में अगर प्लिंकिंग करनी हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप JSB की 10.83 ग्रेन यूज़ करिए। मेरी जेना मैंने क्रॉनिक किया था 13 फुट पाउंड के आसपास चल रही है 10.3 ग्रेन से। इट मींस इट विल गिव मी 150% मोर एनर्जी एट 50 यार्ड्स देन 8.4 ग्रेन, क्योंकि हल्के पैलेट्स फास्टर चलती है लेकिन उनकी एनर्जी रिटेंशन बहुत जल्दी, वो अपने आप को एनर्जी रिटेन नहीं कर पाती है। यही है, बाकी फिर हम आते हैं किसी और क्लास में। अभी हम इसकी एक्यूरेसी भी टेस्ट करेंगे। तो 10 मीटर 15 मीटर इट इज़ नॉट जस्टिफिकेबल, आई डोंट डू 10 मीटर्स यू नो ग्रुपिंग एंड ऑल। 50 मीटर 60 यार्ड पे हम लोग प्लिंकिंग करेंगे और कुछ ग्लासेस फोड़ेंगे, कुछ बॉल्स छेदेंगे और देखेंगे कि कैसा पेनिट्रेशन है, और मुझे लगता है कि उसमें भी आप लोगों का उतना ही प्यार मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, साइनिंग ऑफ।